उपाध्याय जी 104 वर्ष गांठ के अवसर पर जयप्रकाश वार्ड में मनाई गई कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिला सतर्कता समन्वय दिशा निगारणी सदस्य अरविंद राय, मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर, महाराणा प्रताप वार्ड पूर्व पार्षद कैलाश चौरसिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल दास दुदानी, वरिष्ठ नेता लालजी छिपा, मनोज पाल, डॉक्टर सलीम मंसूरी, निश्चय जायसवाल आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत तरुण कलाम पनारी रिछेड़ा समनापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता बंधु और गाँव के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे और आम और अमरूद के वृक्षारोपण किया गया। 25 सितंबर 1916 को मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के पुरुष माने जाते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता और जनसंघ के अध्यक्ष रहे और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे हमारी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई गोपाल दास दुदानी जी, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता भाई लालजी छिपा जी, भारतीय जनता पार्टी नगर के अध्यक्ष भाई बलराम ठाकुर जी, सिद्धि जायसवाल जी, रतन खटीक जी, मनोज पाल जी और हेमंत मालवीय जी, भाई कैलाश चौरसिया जी, प्रसन्न शिवा जी, भाई साहब कमलेश दुबे जी, तूफान जी और हमारे गोरी गोपा के सुपुत्र हमारे भतीजे क्या नाम गोलू जी, निश्चय जी तो वो हमारे भांजे ही है, निश्चय जायसवाल जी, मतलब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती हम यहाँ पर धूमधाम से मना रहे हैं। इस कोरोना काल के कारण है कम लोगों को बुलाकर जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है और हर वार्ड स्तर पर जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हमने यहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाई। आप सभी लोगों को इसकी बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खबर भारत वर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।